राम राम सर, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट अंतर। कानूता ग्राम पंचायत की बात करूंगा मैं आज, क्योंकि अभी भी मैं तेलाब से आ रहा हूं और तेलाब से ही जो कानूता रास्ता निकलता है, जो ग्रेवल सड़क है, एकमात्र रास्ता है डायरेक्ट तेलाब जाने का। उस रास्ते के एक खेत के पास में एक ट्यूबवेल लगती है और जो ग्रेवल सड़क निकल रही है वहाँ गड्ढे पड़ चुके हैं और बरसाती सीजन में मोस्टली आप देख पा रहे हैं कि भाई हर गांव के जो कच्चे रास्ते वो टूटे हुए हैं। लेकिन ये जो रास्ता है वो किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। आपको मेरे बैकग्राउंड में एक फ़ोटो दिख रही होगी, उस फोटो में जो ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये इतना गहरा गड्ढा है कि बाइक सवार किसी भी हालत में इस रास्ते से नहीं निकल सकता। और तेलाब से आने वाले बच्चे जो कानूता के स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे हम प्राइवेट निजी स्कूलों की बात करूँ, चाहे मैं सरकारी स्कूल की बात करूँ, अपने अपने साधनों से या निजी विद्यालय अपने जो साधन भेज रहे हैं, गाड़ियां भेज रहे हैं, उन गाड़ियों को वहां से आने में बड़ी परेशानी होती है। पिछली जो बरसात हुई थी 15 दिन पहले, उसके बाद में किसी ज्ञानी व्यक्ति ने वहां पीढ़ी की टोलियां हैं वो वहां उन गड्ढों को भरने के लिए नकवाई, और पीढ़ी की टोलियाँ नकवाने के बाद गए। अब जगी बरसात हुई है भी वो औरों अब आलो गारो बन गयो और रस्तो इतो खराब हो गयो जगह कोई लिमिट को नहीं। बाइक सवार 100% बटी के निकले जो पड़े और पानी ऊपर दिखे लेकिन बा गहराई कितनी है बापान ध्यान कौन पड़ रही। और रोजिना का एक आधा बाइक सवार बट गिरे भी है और स्कूली जगह बच्चा आवे बाकी जगह गाड़ियां आ रही है बांध भयंकर परेशानी को सामना करना पड़े। एक और रास्ता की बात करूँ मैं, जो कानूता हूँ अपने मुंद्रा मार्ग है जो ग्रेवल सड़क जा रही है, जट कानूता को ऐतिहासिक मंदिर सती माता को मंदिर है, जबकि जाट समाज की एक महिला ही और सती हुई और कानू तो सती माता की वजह हूँ आज इतो समृद्ध है और कानूता गांव के लोगों की बुद्धि भी अगर ठीक रखे तो बस सती माता ही रखे। और बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी मंदिर के मायन हो चुकया और करीब करीब गांव का नहीं आसपास के गांव का लोग भी है जगह भी सती माता के मंदिर के मैं शीश नवाण वास्त्र आवे बी जो ग्रेवल सड़क है बी की मैं बात करूँ तो बा यहाँ के लिए बरसात की वजह टूटी है, यहाँ के लोग बटे खाड़ पड़ मिलो है, जगह की कोई लिमिट को नहीं। अगर अनजान आदमी अगर कोई गाड़ी लेकर के या बाइक लेकर के आवे अचानक वो यहाँ खाड़ आवे ना जहाँ पक्को ही बट है जो दुर्घटना ने आप न्यो तो दे रहे हैं। दोनों रास्ता स्कूली बच्चा जगह आ रहा है बांक लिए सौ बड़ी बाधा बन रखी है। मैं क्षेत्र के मायने मुंदड़ा गयो और भी गाँव की मैं बातचीत करूँ, सांडवा की करूँ, सोनिया सर की करूँ, याना की करूँ, हर गाँव के मायने प्राकृतिक जिकी आपने समस्या ही भी समस्या की वजह हूँ। एक आम बात है हर सीजन का मैंने आप देखा लेकिन प्रकृतिक सामने आप जोर कौन चाले, लेकिन जकी बाद के मैं जकी घटना हुए बा घटना पर आप जोर चाल सके। अगर प्रशासन, पंचायती राज डिपार्टमेंट, आपदा प्रबंधन और ग्राम पंचायत का सरपंच यदि विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान दें तो इनकी मरम्मत करवा करके इनको ठीक करवाया जा सकता है। मैं कानूता ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम जी बेड़ा से भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप इन दोनों रास्तों को ठीक करवाएं, जिससे गांव के लोगों को नहीं आसपास के गांव के लोग जो कानूता आने की सोच रहे हैं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और पंचायत समिति के प्रधान मनबरी देवी और BDO साहब और कलेक्टर महोदय सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इन दोनों रास्तों को ठीक करवाएं, इनकी मरम्मत करवाएं, इस मामले को विशेष रूप से आप संज्ञान में लें, अन्यथा हम बड़ा हादसा देख सकते हैं। किसी भी स्कूल की गाड़ी है वो बच्चों सहित पलट सकती है। तारानगर की घटना हम भूले नहीं है, वैसी घटना कानूता के अंदर भी हो सकती है। भगवान न करे कि ऐसी कोई घटना हो, लेकिन हम साफ साफ आमंत्रण घटना को दे रहे हैं। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट अंतर।